Hello friends, welcome back to the series. This is the part second. आपको याद होगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग most important question you must see in income tax CA IPCC enter के level पे before attempting the November 18. मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूँ, इसकी कोई गारंटी नहीं ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पर हाँ ये ऑब्जेक्टिव इस वीडियो को बनाने का बहुत सिंपल है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को देखें जिनमें चैप्टर्स के मैक्सिमम मोटा मोटी सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं, राइट आपको याद होगा तो वीडियो वन में हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक से लेके कैपिटल गेन्स तक के हम लोग आ गए थे और अब बारी है कैपिटल गेन से आगे बढ़ के कुछ और चैप्टर्स को डील करने की. द फर्स्ट कैपिटल गेन के आगे का टॉपिक है अदर सोर्सेज. इसमें क्वेश्चन नंबर वन पेज नंबर 4.430 राहुल होल्डिंग कंपनी का है. दिस क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन 222E के ऊपर. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है डीम डिविडेंड के ऊपर, राइट. देखिएगा टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें, अगर कंपनी पब्लिक कंपनी होती है तो क्या, और कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है तो क्या, और कितना अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आना चाहिए, डीम डिविडेंड आना चाहिए. वेरी गुड क्वेश्चन. This is question number 2, page number 4.432 based on dividend. आपको याद होगा dividend 10 लाख के ऊपर अब taxable हो चुका है और ये है उसका एक illustrative question, आ चुका है exam में but फिर भी देख के जाइएगा, आपको पता रहे कि क्या adjustment करनी है, right? Okay sir. इसके बाद sir ये question number 4.438 gift के ऊपर बहुत बेहतरीन question जिसके अंदर में maximum almost हर चीज कवर की गई है. गिफ्ट अगर कैश में मिला तो क्या, बुलियंस में मिला तो क्या, प्रॉपर्टी में मिला तो क्या, और उसको घुमाया भी गया है. बहुत अच्छा क्वेश्चन, देख के जाइएगा. दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 4.439. क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन टोटली गिफ्ट, गिफ्ट के अंदर कैसे क्या टैक्सेबिलिटी होनी चाहिए. अच्छा सिर्फ आंसर मत देखना, आंसर का फॉर्मेट भी देखना. इंस्टीट्यूट ने आंसर का फॉर्मेट रखा है टैक्सेबिलिटी रुपीज एंड उसका रीजन, यानी हर चीज के आगे वो डिमांड कर रहे हैं कि क्या रीजन होने चाहिए इस ऐसे आंसर के लिए. यस अ क्वेश्चन नंबर 5, मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है, हो सकता है ये आ जाए पेज नंबर 4.440. अगर आ गया तो ये मेरे वीडियो की मेहनत सफल हो जाएगी और आप मुझे जरूर थैंक यू बोलिएगा, राइट. वीडियो के एंड में मेरा नंबर और मेरे डिटेल्स भी दी हुए हैं, हमें जरूर थैंक्स बोलिएगा अगर ये आ जाए तो. मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन आ सकता है. क्वेश्चन इज अ वेरी 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 सुपर्ब क्वेश्चन वेयर क्या किया जाए अगर एक पर्सन प्रॉपर्टी डीलर है तो क्या ये इनकम पीजीपीपी में आनी चाहिए, क्या ये इनकम अदर सोर्सेज में आनी चाहिए, और इसके ऊपर एक पूरा एक्सप्लेनेशन कि कब ये पीजीपीपी माना जाएगा कब ये अदर सोर्सेज माना जाएगा इस क्वेश्चन के तहत दिया गया है. पता नहीं क्यों इनर वाइज लग रहा है आ सकता है बट इसकी कोई गारंटी नहीं है. तो मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरूर 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 देखिएगा. बता दूं क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 4.440. एक और बस क्वेश्चन है एंड दैट इज एनहांस कंपनसेशन बेस्ड, पर इसके अलावा भी एक क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ. ये तो एक है ही बट इसके अलावा एक क्वेश्चन है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ मेनली. यस दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट. द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज किया गया है कि कंपनसेशन इस साल से रिलेटेड है, कंपनसेशन उस साल से रिलेटेड है, कंपनसेशन ऐसा है कंपनसेशन वैसा है. और इसी के साथ साथ 56 और 57 का ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है जहां पे आपकी मेहनत सफल हो सकती है. पेज नंबर 4.456 एंड दैट्स इट, मैं इतना ही एक्सप्लेन कर रहा हूं इस पर्टिकुलर अदर सोर्सेस के लिए. मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपने कुछ इस पे टाइम और डालना चाहिए, बट अगर डालना भी है एट द एंड तो बस ये एक क्वेश्चन देख लेना. क्वेश्चन नंबर 7, अगेन वेरी वेरी गुड क्वेश्चन जहां पे इंटरेस्ट रिलेटेड पॉइंट के और एग्जम्पशन रिलेटेड पॉइंट बहुत अच्छे से बताए गए हैं. मतलब जब हमें इंटरेस्ट मिलता है तो उसकी टैक्सेबिलिटी किस तरीके से होगी और कौन सा इंटरेस्ट कहां कैसे टैक्सेबल होगा, ये सारी चीजें इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देख के जाइएगा. That's it, other sources में इतना ही. फिर एक और चैप्टर आता है क्लबिंग. याद होगा तो क्लबिंग में मेजरली यार सारे questions जितने भी बेस्ड होते हैं मैक्सिमम तौर पे जो होते हैं वो होते हैं माइनर रिलेटेड. यस और नो, एक ही इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है
माइनर रिलेटेड वो एक देखना बनता है, पर मैं उससे अलावा भी कुछ कहूंगा. पहला है क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 5.6. द क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जहां पे आपको इनकम फ्रॉम सैलरी और अदर सोर्सेज का कॉम्बिनेशन दिया है, प्लस आपको डिडक्शंस और एचपी भी बताया गया है. तो अच्छा प्रॉब्लम है, जरूर देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 5, वैभव स्टार्टेड अ प्रोप्राइटरी बिजनेस. आपको याद होगा हस्बैंड वाइफ को असेट गिफ्ट करता है, और वाइफ अगर उससे बिजनेस चालू करती है तो जो बिजनेस प्रॉफिट आता है और लॉस आता है वो भी क्लब होता है. ये क्वेश्चन में बिजनेस से आया हुआ लॉस भी है, प्रॉफिट भी है, तो क्लबिंग या सेट ऑफ किस तरीके से होगा वो दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 5, क्लबिंग चैप्टर, पेज नंबर 5.8, जरूर देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 5.12. क्लबिंग का बस ये एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, इसमें सब कुछ है, राइट? बच्चे को टैलेंट से इनकम आया तो क्या, उसने खुद कमाया तो क्या, गिफ्ट मिला तो क्या, माँ बाप की भी इनकम है. ये एक प्रॉब्लम भी आप देख लेंगे तो काफी हो जाएगा. आपको 10 प्रॉब्लम इसके ऊपर देखने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 5.13. क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ अ क्रॉस ट्रांसफर, राइट? मैंने किसी की वाइफ को दिया, उसकी वाइफ ने मुझे दिया, एंड लाइक वाइज मैंने मेरे ब्रदर के बच्चे को दिया, ब्रदर के ब्रदर ने मेरे वाइफ को गिफ्ट दिया. क्रॉस ट्रांसफर का केस है, और क्रॉस ट्रांसफर के केस में क्लबिंग किस तरीके से अट्रैक्ट करेगी वो इस क्वेश्चन में दिया है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एंड दिस इज द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 5.16. अच्छा क्वेश्चन, जिसके अंदर में सेल्फ क्लबिंग, माइनर्स ओन इनकम टैक्सेबिलिटी दोनों कवर्ड है. इतना भी देख लो, काम खत्म. इसके आगे क्लबिंग में कुछ नहीं देखना है, राइट? सो अदर सोर्सेज डन, क्लबिंग डन. नेक्स्ट टॉपिक वी आर अबाउट टू स्टार्ट इज डिडक्शन, राइट? सेट ऑफ मैं चालू करूंगा. वेट एक मिनट, अभी ही ट्राई कर देता हूं. मेरे पास इसमें नहीं था, आई गेस आई गॉट इट इन. We'll do one thing. हम सबसे पहले डिडक्शन देख लेते हैं, राइट? माइट बी पॉसिबली सेट ऑफ मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, माइट बी वो डाउनलोड होने से रह गया होगा, राइट? तो सेट ऑफ रिलेटेड मैं आपको हो सके तो बाद में भी बता दूंगा, या आप मुझसे पूछ लें, मेरे फोन के ऊपर एक मैसेज डाल के भी अगर आप मुझसे पूछ लें तो मैं आपको वैसे भी बता दूंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए. आइए डिडक्शन के ऊपर चल लेते हैं, राइट? और इसी बहाने मैं एटलीस्ट आपसे मैसेज तो एक्सपेक्ट करूंगा. क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 7.5, चैप्टर है डिडक्शन. क्या क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन नंबर 80 आईबी से रिलेटेड है. ये वो क्वेश्चन है जो जनरली आईपीसीसी का, ये वो सेक्शन है जो जनरली एपी आईपीसीसी का बच्चा, ए इंटर का बच्चा छोड़ के जाता है. बट ये क्वेश्चन 80 आईबी का नहीं है, उससे रिलेटेड रिटर्न फाइलिंग का है. जी हाँ, डिडक्शंस चैप्टर में रिटर्न फाइलिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, बिकॉज समहाउ डिडक्शंस आर लिंक टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑन टाइम. तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 7.8, एटीसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और उसमें भी सिर्फ एलआईसी से रिलेटेड क्वेश्चन है. एलआईसी कब लिया तो कितना बेनिफिट मिलेगा, देख के जाइएगा. क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 7.21. द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन टेक्निकली 80C और इसका मैक्सिमम लिमिट 80CCE में जो दिया है वो. अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 7.31, 80D से रिलेटेड है. आरटीपी में एक नया अमेंडमेंट भी आया है 80D को लेकर के, कि उसके अंदर में कुछ और एटॉमिक एनर्जी के कॉन्ट्रीब्यूशंस भी अगर किए जाएं तो उसका भी डिडक्शन मिलेगा. उस पे बेस्ड इस क्वेश्चन में वो एक लाइन ऐड करके आपको दिया जा सकता है, और ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन ओवरऑल डिडक्शन अंडर 80D कंप्यूट करने बोला जा सकता है, जरूर देखिएगा.
Question number 12, 7.36. 80E के ऊपर first time institute ने इतना जबरदस्त problem दिया है. ये पहले भी था, पर ये first time book के अंदर में question include हुआ है, new syllabus के अंदर include हुआ है. Question क्या कह रहा है? Question कह रहा है, अगर education employee का कराया, उसके spouse का कराया, उसके बच्चे का कराया, या किसी relative का कराया जिसका वो guardian है, या कौन से education में क्या benefit मिलेगा, वो इसके अंदर में दिया हुआ है. बहुत अच्छा question, देखिएगा जरूर. Question number 13, must देख के ही जाना. मुझे पता नहीं क्यों, you know, पहले एक वो क्वेश्चन लग रहा था और अब ये एक क्वेश्चन लग रहा है जो आएगा आएगा आएगा, मतलब आएगा ही आएगा. कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है, 80 डबल ई अमेंडमेंट वाला सेक्शन है. 80 डबल ई 7.37 पे क्वेश्चन है, विच इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ एचपी एज वेल एज डिडक्शन. मुझे पता नहीं क्यों ये ऐसा लग रहा है कि चार मार्क के लिए क्वेश्चन आ गया तो मुझे भी दुआ देना, और बहुत खुशी के साथ मुझे मैसेज जरूर करना बताने के लिए कि सर हमने स्मार्ट डिसीजन लिया और ये काम आया. सर दिस कॉम्बिनेशन, आपको याद होगा कि 80 डबल ई के अंदर 50,000 रुपए का एडिशनल बेनिफिट दिया है फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर दिया हुआ है, राइट. तो 24 बी में कितना मिलेगा और 80 डबल ई में कितना मिलेगा उसके ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ये यहां पे दिया हुआ है, राइट. एचपी में कितना मिलेगा और डिडक्शंस में कितना मिलना चाहिए, इसके ऊपर एक कॉम्बिनेशन है. जबरदस्त प्रॉब्लम है साहब, 2.5 लाख के ऊपर मिलेगा नहीं, बट फिर भी ये देख के जाना, आपको प्रेजेंटेशन में बहुत काम आएगा, चार मार्क फोकट के लेके आओगे. क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 7.42, 80 जी से रिलेटेड क्वेश्चन है. मेडिकल सॉरी डोनेशन 80 जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इनफैक्ट इसमें 80 सी और 80 डी भी कवर्ड है, तो यही एक कॉम्बिनेशन देख लोगे तो मैक्सिमम मोटा मोटी सारे के सारे डिडक्शंस कवर्ड हो जाएंगे और आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्वेश्चन नंबर 15, 7.44, 80 डबल जी से रिलेटेड क्वेश्चन है. 80 डबल जी पिछले साल अमेंड हुआ था लेकिन इसके ऊपर अब तक कोई क्वेश्चन नहीं था, इस बार ये क्वेश्चन है. मुझे ऐसा लगता है देख के जाना चाहिए, आ सकता है 2 मार्क से 3 मार्क के बीच में कहीं पे भी. क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 7.46, कॉन्ट्रीब्यूशन टू इलेक्टोरियल पार्टी 80 जीजीबी जीजीसी के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है. अच्छा क्वेश्चन, देख के जाइए. जैसे कि आप देख सकते हैं प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, पर मैं सारे प्रॉब्लम नहीं ले रहा हूं. रीजन आई नो कि ये बहुत हार्ड हो जाएगा अगर मैं सभी बोल दूं तो, इसीलिए उतना ही बता रहा हूं. एंड द लास्ट वन इज इलस्ट्रेशन नंबर 18. दिस कॉम्बिनेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल इनकम कंप्यूटेशन. इनकम भी निकालनी है और उसके साथ साथ डिडक्शंस भी निकालने हैं, एंड आई थिंक इस पे टैक्स भी निकालना है. नो, सिर्फ टोटल इनकम निकालनी है. गुड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, जरूर देख के जाइएगा. ये एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें कवर्ड हो जाएगी. दैट्स इट, डिडक्शन के अंदर इतना ही. देन वी कम टू एडवांस टैक्स. हाँ जी मालको, एडवांस टैक्स, एंड टीडीएस. सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 9.14. क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट रिलेटेड 194A का क्वेश्चन है, इंटरेस्ट रिलेटेड है. जनरली बच्चा जो टीडीएस पढ़ता है आईपीसीसी का, वो मेजरली सी आई जे एच पे फोकस करता है, पर मुझे लगता है ये इन्होंने जानबूझ के दिया है, और हो सकता है अगर उनको एग्जाम क्रिटिकल करनी हो तो वो ये पूछ भी लें. पढ़ के जाइएगा. क्वेश्चन नंबर 2 194C पे बेस्ड है, देख के जाना. पेज नंबर 9.17. क्वेश्चन नंबर 4, 194DA. ये सेक्शन ही नया सेक्शन है, राइट. LIC के ऊपर बेस्ड है. मुझे लगता है पूछा जा सकता है क्योंकि ये अमेंडमेंट वाला पार्ट है, पूछा नहीं गया अब तक और पूछने जा सकता है, पूछने लायक है. काफी समझदारी से ड्राफ्ट किया हुआ क्वेश्चन, बेहतरीन. इलस्ट्रेशन नंबर 6, 9.26.
पहले वाला जो है ना सर, ये बहुत ही डिस्प्यूटेड मैटर था और इसके ऊपर सीबीडीटी क्लैरिफिकेशन लेके आया था। ये दो मैं कह रहा हूं मस्ट में करके ही जाना, कंपल्सरीली इस चैप्टर में करके ही जाना। मुझे पता नहीं क्यों ये थर्ड पॉइंट बोल रहा हूं, ये थर्ड क्वेश्चन बोल रहा हूं जो मुझे लगता है पूछा जा सकता है, आ सकता है, देख के जाना कंपल्सरीली। और उसमें भी मैं ये वाला ए वाला तो मैं कंपल्सरीली बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही डिस्प्यूटेड मैटर था कि अगर टेलीविजन चैनल कोई सीरियल प्रोडक्शंस देता है या सीरियल प्रोडक्शंस के यू नो रिलेटेड टीडीएस कट होगा तो वो जे में कट होगा या सी में कट होगा, इसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन है, देख के जाना। ये वाला मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंटली बोल रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 8, पेज नंबर 9.32। अगर कोई प्रॉपर्टी सेल होती है तो टीडीएस इंपैक्ट क्या आता है, बायर के हाथ में क्या आएगा, सेलर के हाथ में क्या आएगा, इसका टीडीएस इंपैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। सुपर्ब क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन का क्वेश्चन है, जरूर देखिएगा साहब। इलस्ट्रेशन नंबर 11, पेज नंबर 9.48। ये अगर आपने एडवांस टैक्स और टीडीएस के अंदर में डिफॉल्ट किया, इफ यू आर असेसी इन डिफॉल्ट, इफ यू आर असेसी इन डिफॉल्ट, तो उसके अंदर में क्या इंटरेस्ट कैलकुलेशन आएगा उसके ऊपर क्वेश्चन है। सर इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन है, छोड़ना बिल्कुल नहीं बनता, देख के जाइएगा। हम सिर्फ इन चीजों को थ्योरी में पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट ने इस पे प्रॉब्लम दिया और प्रॉब्लम देखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी मैंने अब तक चार चीजें बोली जो इंपॉर्टेंट है और एक मुझे आपको एडवांस टैक्स देना है। मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चन है, पिछले मॉड्यूल में था, मैं चेक कर लेता हूं यहां है या नहीं है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। It was related to 234C. Yes, is it? Yep, this is the one. Question number 5, page number 9.71. 234C related आपको कवर किया गया है और साथ साथ में कैजुअल इनकम एंड कैपिटल गेन भी कवर किया है। नॉर्मली अब तक जो इंस्टीट्यूट ने पूछा है या तो कैपिटल गेन पूछा है या तो कैजुअल इनकम पूछा है, ये क्वेश्चन में कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम और 234C तीनों का कॉम्बिनेशन दिया है, जरूर देख के जाना। So this was under the advance tax and TDS. अब एक last topic बच जाता है, right return of income and self assessment. आ जाइए साहब, return of income, self assessment. मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इनमें आपको सबसे पहली चीज अगर कुछ करनी चाहिए तो वो है 139AA आधार, और दूसरा एक अमेंडमेंट जो आया है नवंबर आरटीपी के बेसिस पे वो है 139B टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर स्कीम के लिए क्वालिफिकेशन उन लोगों ने डिफाइन की है। तो मुझे लगता है वो थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है कि क्वालिफिकेशन ऑफ टीआरपी टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स के क्वालिफिकेशन कुछ दिए हैं वो किया जा सकता है, उसके ऊपर क्वेश्चन एक आ सकता है, तो गो फॉर इट। रिटर्न ऑफ इनकम सेल्फ असेसमेंट टॉपिक में पहला क्वेश्चन 10.7 पे दिया हुआ है। ये क्वेश्चन के अंदर में आपको आपकी टोटल इनकम निकालनी है और उस बेसिस के ऊपर आपका सेल्फ असेसमेंट कंप्यूट करना है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, अब तक ऐसे कोई क्वेश्चन दिए नहीं थे। मैं बहुत हैप्पी हूं कि इंस्टीट्यूट ने इस लेवल के क्वेश्चन आईपीसीसी पे लेके आए हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर 10.11। एक ही क्वेश्चन के अंदर में आपसे पूछ लिया गया है, सर रिवाइज रिटर्न हुआ तो क्या, रिटर्न यू नो लॉस का रिटर्न हुआ तो क्या, और रिटर्न ऑलरेडी फाइल्ड है तो उसको किस तरीके से बिलेटेड एंड रिवाइजेशन का प्रोविजन हो सकता है। सिंगल क्वेश्चन, कैसे आंसर लिखना है बहुत इजीली आपको पता चल जाएगा, गो फॉर इट। एक्चुअली मेरे को दो चीजें आपको और बोलनी है, बस वो दिख जाए है या नहीं है। यस, क्वेश्चन नंबर 1 इज द फर्स्ट थिंग, पार्टनरशिप और एलएलपी के केस में रिटर्न का क्या होगा, और एक बंदे का टर्नओवर अगर कुछ स्पेसिफिक लिमिट्स पे दिया हुआ है तो उसको क्या रिटर्न भरना है, भरना है तो कब भरना है, उससे रिलेटेड ड्यू डेट वाला क्वेश्चन है, पेज नंबर 10.29।
क्वेश्चन नंबर टू, ये सीए फाइनल का क्वेश्चन था जो आईपीसीसी लेवल पे उतारा गया है, पेज नंबर 10.30। मुझे लगता है जरूर 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 देख करके आना, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअली रिलेट करता है एक डिडक्शन का, जो एसएससी ने क्लेम नहीं किया और वो चाहता है कि यू नो एक स्टेटमेंट भर के या एओ को दे करके राइट अपना रिटर्न रिवाइज करवा दे। ये एक्चुअली एक केस लॉ पे भी बेस्ड है, गॉडजे इंडिया लिमिटेड के जो सीए फाइनल में पढ़ाया जाता है, बट अब ये आईपीसीसी में पूछा जा रहा है, तो प्लीज इसे देख के जाइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू पेज नंबर 10.30 पे। ओके, ये भी नहीं, दैट्स इट सर। इतनी चीजें आप लोग को जरूर पढ़नी है। अब अगर आपको याद आ रहा हो तो हम लोगों ने सारे चैप्टर कर लिए हैं एक्सेप्ट वन, एंड दैट इज सेट ऑफ, एक्सेप्ट वन दैट इज सेट ऑफ। मैं आपसे फिर वही पॉइंट दोहराना चाहता हूं, फिर वही चीज दोहराना चाहता हूं साहब। सर देखिए, ये सारा जो मैंने वीडियो बनाया है, ये सारा वीडियो सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए कि ये चैप्टर यू नो पढ़ के जाना, देख के जाना, समझ के जाना। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू नो नवंबर 18 विच आर बेस्ड ऑन मॉड्यूल। इसके अलावा सर मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, राइट, वी एट वी स्मार्ट अकेडमी ऑलवेज स्ट्राइव फॉर द पर्पज ऑफ स्टूडेंट्स बेनिफिट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी लाइक टू हियर फ्रॉम यू, और आपको क्या बेहतर मिल सकता है, क्या बेहतर दिया जा सकता है, चाहे वो नोट्स के मामले में हो, चाहे वो वीडियोस के मामले में हो, चाहे वो किसी भी और चीज के बारे में क्यों ना हो, राइट। ये वीडियो आपको मेरा कैसा लगा ये जरूर मुझे बताइएगा, राइट, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा। मेरा नंबर मैं आपको दिए देता हूं, मैं आपको मेरा नंबर प्रोवाइड कर देता हूं साहब, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप अगर लोगों तक ये वीडियो शेयर कर पाए, जो बच्चा यू नो एग्जाम दे रहा है, नवंबर 18 दे रहा है, अगर आप उस तक ये वीडियो शेयर कर पाए तो आई थिंक इससे बेटर कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होगा। जैसा कि मैं एक सीएसआर कर रहा हूँ, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा हूँ, आप भी अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कीजिए, इसे मैक्सिमम दोस्तों तक के पहुँचा के, ताकि उनको भी पता चले कि एग्जाम से पहले क्या जाए। अकेले बढ़ने से बेटर सबका साथ सबका विकास, पीएम भी बोल चुके हैं और हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। एक पॉइंट याद रखें, मैं हर सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ, इनफैक्ट वी स्मार्ट के नाम से अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मिल जाएगा, मेरे पर्सनल यूट्यूब भी आप सर्च कर सकते हैं सीए विजय सारडा, दोनों को सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहें, ताकि हमारे यहाँ के जितने फैकल्टीज हैं आप सबके वीडियोस तुरंत देख सकें और आप उस चीज का बेनिफिट ले सके। दूसरी बात, आप टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप वी स्मार्ट ढूंढिएगा, सीए विजय सारडा ढूंढिएगा, हम दोनों जगह पे आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ में वी आर ऑन फेसबुक, आप फेसबुक पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। इसके बाद मैं एक और चीज लाने वाला हूं, और वो चीज है मस्ट सी सेक्शंस इन नवंबर 18, यानी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं लाने वाला हूं। मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं उसे पोस्ट करूंगा, मैं मेरे फेसबुक पे भी पोस्ट करूंगा, फेसबुक के ऊपर मेरा अकाउंट देख लीजिए आप सर, सीए विजय सारडा 3, एंड यही चीज मैं सेम हमारे वी स्मार्ट के पेज पे भी पोस्ट करूंगा, वी स्मार्ट अकेडमी का पेज आप लाइक करके रखिए, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको ये डिटेल्स मिल जाए। इसके साथ साथ मैं आपसे जरूर सुनना चाहूंगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, विल इट बी हेल्पफुल और नॉट, और ये कैसा था जरूर सुनना चाहूंगा। दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर 8956651954, राइट, और इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा, और इसी के साथ साथ आपसे अलविदा कहना चाहता हूं, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर। पर एक मिनट, जाने से पहले मैं आपको बता दूं, रही सेट ऑफ की बात जो मैंने इस वीडियो के अंदर में डिस्कस नहीं किया है, आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं इस नंबर के ऊपर। थैंक यू सो मच।